अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं रानात दानवदर सर हूँ। आप लोग आजकल यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर से अपार्टमेंट्स की बुकिंग करवा रहे हैं, और अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब भी आप लोग प्राइवेट बिल्डर्स के साथ काम करें, उनकी रिसर्च कर लें, कौन लोग हैं, कैसे हैं, ये तो एक सेपरेट चीज़ है कि आप लोग उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी और उनके बारे में एक राय ले लें, वो सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैसेज दे रहा हूँ, वो मैसेज ये है कि बैरियर टाउन के अंदर किसी भी जगह पे जो प्राइवेट बिल्डर से आप लोग अपार्टमेंट बुक कर रहे हैं, आप लोग उसकी रिसर्च ओरिएंटेड एक प्रेजेंटेशन लें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि किस तरह से आपके अपार्टमेंट की विंडो से आपको कौन सी सीनरी मिल रही होगी। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ ग्रैंड मस्जिद के उन नायाब नज़ारों की, जो मुस्तकबिल में आप अपने अपार्टमेंट की हर खिड़की से इंजॉय कर सकते हैं। यानी अगर आप जितने भी कमर्शियल या हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं जो ग्रैंड मस्जिद की सराउंडिंग में है, जहाँ पे सेंट्रल पार्क ये सेंट्रल पॉइंट कमर्शियल है, वहाँ से भी आपको ग्रैंड मस्जिद का व्यू मिलेगा। जिना एवेन्यू के कुछ प्लॉट्स हैं जहाँ से आपको व्यू मिलेगा और लाइफ टाइम व्यू मिलता रहेगा। इसी तरह मिडवे कमर्शियल 2 के नाम से यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इसके ऊपर जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनमें हर प्रोजेक्ट से डायरेक्टली आपको आपकी अपार्टमेंट की विंडो से अप्रोच नहीं मिल रही, लेकिन देर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स जो डायरेक्टली फेस करते हैं आज भी और फ्यूचर में भी बैरियर टाउन की प्लानिंग में। वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है बिटवीन दैट बिल्डिंग और दैट ग्रैंड मस्जिद की बिल्डिंग। यानी वहाँ से एक तो हाइट का फैक्टर है और फिर लाइफ टाइम इतने खूबसूरत मनाजिर अगर आप लोगों को मिलते हैं, तो ऐसी चीज़ों को देख भाल के ईस्ट ओपन, वेस्ट ओपन और फिर कौन से फ्लोर पर जाके आपको ग्रैंड मस्जिद का व्यू मिल रहा है, तो इन चीज़ों को देख के अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो मेरी नज़र में काफ़ी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। आप लोग प्रीसिंक 8 के लूप रोड पर चले जाएँ, प्रीसिंक 10A, 11A के लूप रोड पर जाएँ, यहाँ से भी आपको यानी अगर टी शेप के कुछ रोड्स बनते हैं जहाँ पे आपकी अपार्टमेंट की हर खिड़की से आपको लॉन्गर व्यू मिलता है, तो वो एक यानी कशादा किस्म का व्यू परस्पेक्टिव वो देखना वो आपके हक में बेहतर होगा। अगर ऐसी लोकेशंस आप इनका इंतखाब अच्छा करते हैं तो आई बिलीव के फ्यूचर में आपको अपनी उस रिहाइश में या अपनी उस इन्वेस्टमेंट को सेल करते हुए अच्छा ROI भी मिलेगा। अगर आप वहाँ रिहाइश करते हैं तो आपके लिए वो आइडियल लिविंग होगी बैरियर टाउन में, जहाँ पे मुस्तकबिल में भी और आज भी लोग रिहाइश करने के ख्वाहिशमंद होंगे। फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। हमारे 3, 4, 5 काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के मुताबिक ग्रैंड मस्जिद की सराउंडिंग में जो भी ऑप्शन मिले उसको प्रॉपर रिसर्च करने के बाद आप बुकिंग की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।